ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियाँ, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, फिर हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में जिसमें शामिल है डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम बात करेंगे हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर के बारे में और सीपीयू के बारे में, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बड़ी कुशलता से सूचना या आंकड़ों को निर्देश द्वारा तैयार करता है। कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में बताने के बजाय हम संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर के बगैर जीवन ही संभव नहीं है। घर, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि सभी स्थानों पर हम इसका उपयोग देख रहे हैं। शुरुआत में लोगों को कंप्यूटर काफी रहस्यमयी लगता है और वे इससे डरते भी हैं, लेकिन ये काफी आसान है और कठिन से कठिन काम भी आसानी से निपटा देता है। यदि आप धीरे धीरे और ठीक प्रकार से सीखेंगे तो कंप्यूटर आपको बहुत आसान नजर आएगा। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, किंतु हम यहाँ जिन कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं वे हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स, जिन्हें हम संक्षेप में पीसी भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि प्रायः घर, दुकान, स्कूल, कॉलेज आदि में प्रयोग किए जाते हैं, ये मेज पर रखे होते हैं, इसलिए इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये देखिए, आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरह से मेज पर रखे होते हैं। दूसरे प्रकार के कंप्यूटर्स जिनसे आप काफ़ी परिचित हैं उन्हें कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी द्वारा संचालित होते हैं एवं इनकी बैटरी आप बिजली से चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर एक ही तरह से कार्य करते हैं, पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स सस्ते होते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर्स महंगे होते हैं। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर के बुनियादी हिस्सों के बारे में। सभी प्रकार के कंप्यूटर्स के दो बुनियादी भाग होते हैं। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी भाग आते हैं जिनका एक भौतिक ढांचा होता है और जिन्हें आप छू सकते हैं। दूसरा बुनियादी भाग है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला होती है जिससे कोई भी हार्डवेयर किसी भी काम को करता है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर व्यर्थ है। अब हम आपको बताते हैं हार्डवेयर के बुनियादी भागों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले उपकरणों के बारे में। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वो उपकरण आते हैं जिनकी मदद से किसी भी डेटा या निर्देश को हम कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें अनेक कीज होती हैं, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। इन कीज को दबा करके हम कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं। दूसरा उपकरण है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस की मदद से स्क्रीन पर दिखने वाले पॉइंटर को चलाया जाता है। ये तो हुई इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले उपकरणों की बात, और अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत वो उपकरण आते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर जो डेटा प्रोसेस होता है वो हम तक पहुंचता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है मॉनिटर।
मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह टीवी की तरह दिखने वाला एक उपकरण है। इनपुट उपकरणों की मदद से किया गया कार्य सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर के सामने की तरफ शुरू करने और बंद करने के लिए एक बटन होता है और इसके अलावा अन्य नियंत्रण बटन भी होते हैं जिनके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शन व्यवस्था को अपने देखने के अनुकूल बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बुनियादी भागों में सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू के बारे में। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यहाँ पर आप इसका चित्र देख पा रहे हैं। यह बक्से नुमा होता है और इस बक्से में छोटी छोटी अनेक डिवाइसेस होती हैं जो सभी मिलकर इनपुट डिवाइस से प्राप्त हुए डेटा को प्रोसेस करती हैं, उपयोगी बनाती हैं और उसके बाद उसे आउटपुट डिवाइस पर भेजती हैं, साथ ही स्टोर भी करती हैं। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का कार्य करता है और साथ ही इनपुट व आउटपुट डिवाइस में तालमेल बिठाता है। हार्डवेयर के बाद आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में। सॉफ्टवेयर मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। इनकी सहायता से ही हम हार्डवेयर का उपयोग करते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर वे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के काम आते हैं। ये विभिन्न कंपनियों द्वारा बने होते हैं। संसार भर में सबसे मुख्य है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके नए नए कई वर्जन निकाले हैं जिसमें एक बहुत ही लोकप्रिय है विंडोज़ XP। इसका उपयोग हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत वो प्रोग्राम्स आते हैं जो यूज़र के लिए खास काम को पूरा करते हैं। जैसे यदि आप टाइपिंग वर्क करना चाहते हैं तो नोटपैड प्रोग्राम है और उसी तरह से अन्य कामों को करने के लिए MS Word, MS Excel आदि कई प्रोग्राम्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। आज का हमारा अध्याय था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में बुनियादी जानकारियाँ। इसमें हमने सीखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकारों के अंतर्गत आपने जाना डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद हमने सीखा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जिसमें शामिल थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत आपने कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू के बारे में जानकारी प्राप्त की और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपने जाना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में।